eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good enough now, should I get more loud, till you hear the fucking sound, oh no, I'm losing my shit again, having to fit again, man I'm forgetting when, I used to have some friends, I used to play pretend, we all grow up and then, hating my phone and trends, I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead, fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight on my try to go slow with breath, fit out my nose and head. Heart doesn't go the trend, faster it goes instead. One shot, that's all you got. Take it right now, before you get lost, yeah. One shot. तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार? अब पिछली बार जब मैं और GameX Pro एक ही मैच में आए थे तो मैंने उसको मार दिया था, लेकिन उस टाइम उसने बहुत ट्रैश टॉकिंग करी थी, मेरे को चिढ़ा रहा था कि तेरे को ऐसे मारूंगा वैसे मारूंगा, लेकिन जब इस बार मिला तो कुछ नहीं बोला। नहीं बोलूंगा भाई, मैं उसको ऑल पे कह रहा था कि अपना डायलॉग मार, बट बंदे ने साफ बोल दिया नहीं बोलूंगा, क्योंकि इस बार ये भाई साहब बहुत सीरियस थे। अब हाँ, पिछली वीडियो पे कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे कि तुम लोग मैच पिकिंग कर कैसे लेते हो, तो भाई देखो सिंपल सा है, हम दोनों सोलो पुश कर रहे थे, तुम लोग काफ़ी हाई लीग में, तो अगर हम लोग एक टाइम पे मैच स्टार्ट करते हैं तो 100% चार्ज है कि हम लोग एक ही मैच में आएंगे, लेकिन जब मैच में आ जाते हैं तब भाई साहब फेयर खेलते हैं, जो जिसको मार देगा वही जीतेगा। अब भाई साहब ऑल पे भी बंदा एकदम चुप बैठा था, उसका माइक तो ऑन था क्योंकि पीछे से खसर पसर आवाज़ आ रही थी, लेकिन बोला कुछ नहीं। अब वो भले ही ना बोले, लेकिन एक बात मेरे को पता है कि वो कहाँ उतरेगा, पोचिंग की में, तो मैं भी उतर गया यहीं। अब भाई साहब मेरी और GameX Pro के बीच में पूरी एक सीरीज टाइप की बन चुकी है, तो अगर आपको वो देखनी है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलना, वहाँ लिंक मिल जाएगी, समझ लेना कि आखिर ये चल क्या रहा है। अब फिलहाल मेरे सामने एक बंदा था और सोलो में जो लोग करते हैं वही ये भी कर रहा था, जैसे ही दो वेपन मिले बंदा आगे बैठ गया और TPP लेने लगा ताकि कोई आए तो उसको खा जाए। भाई साहब मैंने नेट डाला था बट वो बंदा बच गया, तो यहाँ पर मेरे को पुश करना था, पहले मैं सोचा था छत पे चढ़ जाऊंगा, लेकिन फिर एकदम से ध्यान आया नहीं भाई उसको एंगल मिल जाएगा, तो मैं जल्दी से नीचे कूदा और फिर गया उसको पुश करने। भाई साहब बंदा DP लेके बैठा था, लेकिन ये तो फिनिश हो गया। अब भाई जैसे इसको मार के नीचे आया कि वैसे ही एक और बंदा ऊपर चला गया, तो अब उसको मारना था। अब भैया इससे तो मेरे को M4 मिल गई, और जैसे ही मैंने M4 को रिलोड करा सामने एक बंदा था। अब मैंने उसको अच्छा खासा डैमेज दिया था, तो यहाँ पर मैं बिल्कुल टाइम नहीं देना चाह रहा था, क्योंकि मुझे हर बंदा ऐसा लग रहा था कि वो GameX Pro है, तो यहाँ पर जितनी जल्दी उसको निपटा दूं उतना अच्छा है। अब भाई ये बंदा जानता था कि मैं इसके ऊपर पुश करूंगा, तो इसने प्री फायर दिया, लेकिन उसी से प्री फायर थोड़ा सा गलत होता है। अब भाई साहब फायरिंग हुई और किल फीड में लेजिट का नाम आया, तो मैं समझ गया कि वो किधर है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से छत पे चढ़ गया, लेकिन भाई पोचिंग की GameX Pro का घर है, वो कहाँ से आता है कहाँ जाता है कोई अंदाजा नहीं लगता, तो वो मेरे को नहीं दिखा, लेकिन पीछे से मेरे को एक फायरिंग की आवाज़ आई तो मैं पीछे आ गया। अब सारी बुलेट तो मैंने तुक्के ही मार दी, क्योंकि पेड़ की वजह से वो दिख ही नहीं रहा था, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ था और मेरे को पता था वो स्क्वाड हाउस में ही आएगा हील करने। अब इससे पहले कि कुछ समझ पाता ये तो लॉबी पहुंच चुका था, और इसको मारने के बाद मैं वापस उसी जगह पर गया जहां पर मैंने लास्ट टाइम लेजिट की प्रेजेंस को नोटिस करा था, क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि शायद मैं उसको स्पॉट कर ले जाऊं, लेकिन मैं जैसे यहां आया मेरे पीछे किसी ने फायर करा। अब मैं इतना तो जानता था कि ये बॉट फायर नहीं है, क्योंकि मुझे फुटस्टेप बिल्कुल नहीं आए और फायरिंग बहुत ही करीब से हुई थी, तो यहां पर मैंने डिसाइड करा कि इसको पहले क्लियर कर देता हूं, क्या पता लेजिट मेरे ऊपर पुश कर दे और ये बंदा मेरे को कहीं चीकी एंगल से फिनिश कर दे। भाई साहब अंदाजा तो सही था ये बंदा कैंप कर रहा था, और यहाँ पर मेरा एम भी गड़बड़ा गया था, लेकिन ये वो मेरे पास Level 3 की वेस्ट थी तो मैं बच गया। उसके बाद मैंने हील करा, थोड़ा लूट रहा था कि तभी मेरे को गाड़ी की आवाज आई। और भाई साहब ये लेजिट था, फॉग की वजह से मैं इसको ढंग से देख भी नहीं पाया, इसलिए मैंने फायर करा ताकि हो सकता है फायर की आवाज सुन के रुक जाए, लेकिन बंदा रुका नहीं, वो सीधा पोचिंग से निकल गया।
अब इस मैच के खत्म होने के बाद मैंने उसको कॉल करके पूछा कि वो भागा क्यों था, तो मेरे को नहीं पता वो भागा था कि नहीं भागा था, लेकिन उसने ये बोला कि उसको ये आइडिया नहीं था कि मैं पोचिंगी में हूँ। ये थोड़ी सी अजीब बात थी, लेकिन चलो मान लेते हैं। अब भाई पोचिंगी में एक ही गाड़ी थी जिसको लेजिट लेके भाग गया, तो यार मेरे को जोन में पैदल ही जाना था, लेकिन रास्ते में हो रही थी फायरिंग, तो मेरे को पता था कि यहाँ पर मेरे को एक या दो किल तो मिलने ही वाले हैं। अब बस यहाँ पर इस बात का डर था कि कोई मेरे पीछे से आके मेरे को बैकस्टैब ना कर दे, क्योंकि मेरे को ये भी आइडिया नहीं था कि लेजिट कहाँ है, लेकिन तभी वो बंदा मेरे को दिख गया। भाई साहब सबसे अच्छी बात तो ये थी कि इसको तो मैंने मार दिया, लेकिन साथ ही साथ ये बंदा एक गाड़ी से आया था जो कि मुझे मिल गई और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। अब फिलहाल मैं इसको लूट ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक गाड़ी आ गई, लेकिन एक फुटस्टेप भी आ रहा था जिसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया कि किसके ऊपर फायर करूँ। फिर मैंने डिसाइड करा कि इस बंदे के ऊपर फायर करूंगा। अब भाई ये तो निकला बॉट और गाड़ी वाला भी निकल गया, तो मुझे जोन में जाना था तो मैंने गाड़ी उठाई, लेकिन गाड़ी में फ्यूल नहीं था। लकली मेरे को फ्यूल मिल गया, वरना जोन मेरे को वहीं मार डालता। अब मैं तो फुल इंटेंसिटी के साथ लेजिट को ढूंढ रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर आ गई लेजिट भैया की खबर, उनको किसी ने रख के चेप दिया था। अब ये बात मेरे को नहीं पता थी, तो मैं बस यही सोच रहा था कि अभी मेरे को लेजिट से लड़ना है, तो मैं एकदम तैयार बैठा था। अब भाई साहब मेरे को लग रहा था कि इस घर में कोई छुप के बैठा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ये घर एकदम क्लियर था। अब मेरे को घर में कोई दिखा नहीं, इस वजह से मैं घर के अंदर वापस आ गया, लेकिन जैसे ही अंदर आया मेरे को एक मैसेज आया, और वहां पर मुझे पता चला कि लेजिट मर गया है और उसने उस बंदे का एड्रेस मेरे को भेजा था जिसने उसको मारा था, और वो चाहता था कि मैं बदला लूं। अब भाई मैंने उससे पूछा कि मर गए, तो उसने बोला हाँ, तो मैंने पूछा यार पोचिंगी से क्यों भागे थे। अब उसका इससे पहले कि रिप्लाई आता, मैंने डिसाइड करा कि मैं गाड़ी लेके जाके उस बंदे को मार दूंगा जिसने लेजिट को मारा है, लेकिन भाई गाड़ी तो फंस ही चुकी थी। अब फिलहाल वहां तो जा नहीं सकता, तो मैंने डिसाइड करा मैं थोड़ी देर रुकूंगा, और लेजिट ने भी कुछ मैसेज करा। भाई साहब लिख रहे हैं हाँ तो और क्या करता। अब मेरे को नहीं पता ये मेरे किस मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अगर पोचिंगी से भागने वाले रिप्लाई कर रहे हैं तो भाई जानबूझ के बंदा भागा है शायद। अब पता नहीं भाई, वही जाने क्या सच है। अब उसके बाद मेरी गाड़ी तो फंस गई थी, तो मैं पैदल यहाँ तक आया। अब मेरे को इतना पता था कि यहाँ पर कोई तो छुपा बैठा होगा, और मेरे सामने एक क्रेट भी पड़ा था, और तभी मुझे फुटस्टेप की आवाज़ हुई, और मैं समझ गया कि दोनों घरों में से किसी एक में एक तो छुपा बैठा है। अब इस घर को मैं पूरी तरीके से चेक कर चुका था, तो इतना जानता था वो बंदा ऊपर ही है, तो मैंने डिसाइड करा एक नेट करूंगा, अगर वो मरता नहीं तो एटलीस्ट वो सुन तो नहीं पाएगा कि मैं ऊपर रश कर रहा हूँ, कि तभी मेरे को गन दिख गई। अब यार मैंने यहीं पर ग्रेनेड फेंक दिया और मेरी गन भी सिलेक्ट नहीं हुई, लेकिन भाई को कैंपिंग नहीं आती है। अब जो भी हो, सामने एक क्रेट था जिसने मेरे को बहुत बार डराया। अब मैं इतना सोचा था कि ऊपर कोई नहीं है। लेकिन भाई साहब यहाँ पर एक नहीं दो दो थे, एक ये पेड़ के पास था जो मुझे अब दिखा। भाई साहब ये तो कोई, इसको देख के मैं प्रोन हो गया था ठीक टाइम पे, वरना इसकी जगह मैं मर गया होता। अब जो भी हो, यहाँ पर आके मैंने बूस्टर लगाया और तभी मेरे को एक बगी की आवाज आई। अब यहाँ पर मैं इसको लूट के आगे बढ़ ही रहा था कि तभी एक और गाड़ी मेरे को दूर नजर आ गई। अब यहाँ मैं सोच रहा था कि ये बीच से गाड़ी निकालेगा, तो इस वजह से मैं जोन के किनारे गया, लेकिन ये बंदा तो एकदम किनारे से गाड़ी निकाल रहा था। Right now,
अब यहाँ पर मैंने और फायर नहीं करा क्योंकि मेरे को लग रहा था कि वो रुकेगा तो मेरे को बुलेट की जरूरत पड़ेगी, और ऐसे टाइम पर मैं रिलोडिंग में तो बिल्कुल फंसना नहीं चाहता था। अब जो भी हो वो बंदा बच के कवर में निकल चुका था, लेकिन मेरे को इतना पता था कि वो जोन में मेरे से ज्यादा बाहर है तो उसको मुझसे पहले ही भागना होगा जोन के लिए। भाई मैंने उसको एक बॉडी शॉट मारा M24 से, और M4 से एक और बुलेट मारी लेकिन वो बच गया। अब यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा ओपन में आ गया तो मैं फौरन पीछे भागा, और जैसे ही पीछे आया उसने फायर करा। अगर थोड़ी देर पहले और फायर करा होता भाई मैं वहीं खत्म हो जाता। अब इस बार तो वो बच गया लेकिन उसने यही गलती करी, उसने एंगल लेने के चक्कर में एक ऐसा कवर ले लिया जिसने उसको फंसा दिया। अब वो जोन से और दूर हो चुका था और मुझे बस उसके झांकने का इंतजार करना था और खोपड़ी उसकी फोड़नी थी। और भाई साहब ने जैसे ही अपनी मुंह दिखाई करी वो लॉबी में पहुंच गए। अब सिर्फ एक बंदा बचा था और मेरे को पूरा यकीन था कि वो गाड़ी के पास कहीं लेटा होगा। अब भाई मेरे को ऐसा लगा कि सामने एक बंदा है तो मैंने फायर करके चेक करा, और यही गलती हो गई क्योंकि जो बंदा था वो बहुत ज्यादा सीरियस था। वो गाड़ी लेके जोन के करीब आ गया एच पे ताकि मैं जोन के अंदर ना घुस सकूं, और यही चीज मेरे को भारी पड़ गई। भाई साहब जोन ही खा गया मेरे को, क्या कर सकते हैं।